समय एक ऐसा फिनोमिना है जिसने पूरे ब्रह्मांड को खुद में समेट रखा है, लेकिन देखने में यह जितना सरल लगता है इसे समझ पाना उतना ही मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि समय ऐसी इकाई है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है और इसे बदला या रिपीट नहीं किया जा सकता, लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं और व्यक्ति सामने आते रहते हैं जो यह दावा करते हैं कि उन्होंने समय यात्रा की है। समय यात्रा का दावा करने वाले लोगों पर बहुत से लोग इस वजह से विश्वास नहीं करते क्योंकि समय यात्रा से जुड़े दावा करने वालों के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको समय यात्रा से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अनेकों ऐसे सबूत मौजूद थे जो इस समय यात्रा को सच साबित करने के लिए काफ़ी थे। तो चलिए जानते हैं समय यात्रा करते समय कैसे हुई रूडोल्फ फेंज की मौत। जून 1951 के मध्य की एक रात करीब 11:15 बजे न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर अचानक एक आदमी प्रकट होता है। वह अचानक बीच चौराहे पर कैसे आया किसी को पता नहीं चला। उस व्यक्ति ने बहुत पुराने समय के फैशन वाले कपड़े पहन रखे थे। उस व्यक्ति के हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वह वहां अपनी मौजूदगी से बेहद हैरान है। वो टाइम स्क्वायर पर मौजूद गाड़ियों और हर तरफ फैली चमचमाती रोशनियों को आश्चर्य भरी नजरों से देख रहा था और वहां खड़े लोग भी उस व्यक्ति को उतनी ही हैरानी से देख रहे थे। किसी ने भी उसे सड़क के बीचों बीच जाते हुए नहीं देखा था। जैसे ही वह व्यक्ति सड़क के किनारे आने के लिए आगे बढ़ा, सामने से आती हुई कार से उसकी टक्कर हो गई जिससे वो व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया और कुछ ही देर में उसकी जान चली गई। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से कुछ बेहद अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली चीजें बरामद हुईं, जैसे कि 5 सेंट का एक बियर टोकन, घोड़ा गाड़ी की सफाई करने का एक बिल जिस पर पता लिखा था लिवरली स्टेबल लेक्सिंगटन एवेन्यू। 1951 के किसी भी एड्रेस बुक में यह पता मौजूद नहीं था। लगभग $70 की पुरानी करेंसी के नोट और सिक्के भी उस व्यक्ति के पास से मिले। इसके अलावा एक बिजनेस कार्ड मिला जिस पर नाम लिखा था डॉक्टर रूडोल्फ फेंज और एड्रेस 5th Avenue न्यूयॉर्क। साथ ही साथ उसके पास से एक लेटर भी मिला जिसे न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया भेजा जाना था और उस लेटर पर सन 1876 की स्टैंप भी लगी हुई थी। रूडोल्फ फेंज नाम के इस व्यक्ति के पास से मिली सभी चीज़ों में एक बात खास थी। वह यह थी कि यह सारी चीज़ें पुराने होने के बावजूद बिल्कुल नई हालत में थी। इस केस की छानबीन का जिम्मा कैप्टन हुबर्ट वी रिम को दिया गया। कैप्टन हुबर्ट जब बिजनेस कार्ड पर दिए एड्रेस 5th Avenue पर पहुंचे तो उस एड्रेस पर उन्हें एक ऑफिस मिला जहाँ के लोग रूडोल्फ फेंज नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते थे। कैप्टन हुबर्ट ने उस समय की सभी टेलीफोन डायरेक्टरी और एड्रेस बुक को भी चेक किया, लेकिन उन्हें इस नाम के किसी भी व्यक्ति का कोई भी अता पता नहीं मिल सका। इस घटना को कई दिन बीत जाने के बावजूद भी किसी भी पुलिस स्टेशन में रूडोल्फ फेंज नाम के किसी भी व्यक्ति की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। किसी भी सुराग के अभाव में कैप्टन हुबर्ट ने अपनी तहकीकात को जारी रखा और एक दिन सन 1939 की एक एड्रेस बुक में रूडोल्फ फेंज जूनियर नाम के एक व्यक्ति का एड्रेस उनको मिला। उस एड्रेस पर पहुंचकर यह पता चला कि अब उस पते पर कोई और रहता है जिन्होंने रूडोल्फ फेंज जूनियर नाम के इस व्यक्ति से यह प्रॉपर्टी खरीद ली थी। जैसे तैसे रूडोल्फ फेंज जूनियर के बैंक अकाउंट की डिटेल कैप्टन हुबर्ट को मिल गई। बैंक से पता चला कि अब रूडोल्फ फेंज जूनियर के बैंक अकाउंट को बंद कर दिया गया है क्योंकि उनकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी बीवी अभी भी जिंदा थी
और फ्लोरिडा में कहीं रहती थी। कैप्टन हुबर्ट ने फ्लोरिडा के उस एड्रेस पर जाकर रूडोल्फ फेंज के बारे में पता किया। वहां रूडोल्फ फेंज जूनियर की पत्नी ने जो बताया उसे सुनकर कैप्टन हुबर्ट हैरान रह गए। उनकी पत्नी ने बताया कि रूडोल्फ फेंज जूनियर के पिता थे, जो कि 29 वर्ष की आयु में सन 1876 में लापता हो गए थे। वह अपने घर से एक शाम सैर करने के लिए निकले थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। यह जानकर कैप्टन हुबर्ट और उनके साथी हैरत में थे। किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। अपनी जिज्ञासा के चलते कैप्टन हुबर्ट ने सन 1876 के सभी गुमशुदा रिकॉर्ड को खंगालना शुरू कर दिया और एक दिन उनके हाथ लगी रूबर्ट फेंज नाम के एक व्यक्ति की 1876 की मिसिंग रिपोर्ट। इस मिसिंग रिपोर्ट में गुमशुदा का हुलिया का जो विवरण दिया गया था वो 1951 में मरने वाले रूडोल्फ फेंज से मेल खाता था। कैप्टन हुबर्ट द्वारा जुटाए गए सबूतों से यह तो साबित हो गया था कि मिसिंग रिपोर्ट वाला रूडोल्फ और 1951 में कार एक्सीडेंट में मारा गया रूडोल्फ एक ही व्यक्ति है। लेकिन आखिर 1876 में गायब हुआ व्यक्ति 1951 में कैसे पहुंच गया, इस बात का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। बस कुछ थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि यह टाइम ट्रेवल या टाइम स्लिप से जुड़ी एक घटना थी। रूडोल्फ ने अचानक से ही समय यात्रा की थी।